लॉकडाउन पर केंद्र सरकार के बाद दिल्ली सरकार ने भी अपनी गाइडलाइन का ऐलान कर दिया है। दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट समेत बाकी कई चीज़ों को छूट दी है, जिस पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। बीजेपी से सांसद गौतम गंभीर और विजय गोयल ने इसे गलत फैसला बताया है। गंभीर ने कहा है कि ये दिल्ली का डेथ वारंट साबित हो सकता है। वही बीजेपी नेता विजय गोयल ने कहा है कि इससे कहीं दिल्ली वुहान न बन जाए। इन दोनों के अलावा कई ट्विटर यूजर्स ने भी इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। देश भर में कोरोना वायरस के चलते लगभग दो महीने से लॉकडाउन और ऐसे में अब तक तीन चरणों में लॉकडाउन हो चुका है। इन तीनों लॉकडाउन के दौरान सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा, लेकिन लोग नियमों का उल्लंघन करते रहे। दिल्ली पुलिस ने इस दौरान 1 लाख से ज्यादा चालान काटे हैं। इनमें से अधिकतर ओवर स्पीड के हैं। इनमें कैमरे की मदद ली जा रही है। सभी चालान SMS व नोटिस के जरिए भेजे गए हैं। साउथ दिल्ली के नेब सराय में पुलिस ने मर्डर के आरोपी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि संगम विहार में एक व्यक्ति को आरोपी ने चाकू मार दिया था, जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी। साउथ डिस्ट्रिक्ट के DCP अतुल कुमार ने प्रेस रिलीज के माध्यम से बताया कि PCR कॉल से हत्या के बारे में पता चला। मौके पर जाकर जब जाँच की गई तो मृतक की पहचान 21 साल के युवक में रूप में हुई थी। पुलिस ने बताया कि लूडो खेलने में हुए विवाद में युवक की हत्या हो गई। इस टाइम ये वारदात हुई, दिन की बात थी, दोपहर की बात थी, तो शाम को फिर ये इनके साथ दारू पी के क्या आया तो 5 लड़के ही आए थे। कौन कौन था 5 लड़के? अभी मैं तो देखा नहीं, बता रहे कि 5 लड़के थे। तो इनके हाथ में चाकू था, तो इनने चाकू पकड़ के 5 लड़कों को वार किया। तो इस लड़का के हाथ में आया तो इसी को चाकू वार किया। कहाँ कहाँ लगे चाकू? सीने में और हाथों में और हाथ में लगे थे। मौके पर ज़्यादा सीने में लगे हैं, जिससे ये बच नहीं पा रहा। इसके साथ पुलिस भी आई, पुलिस ने कार्रवाई की अपनी। सर, ऐसा है कि सुनने में आ रहा है कि राम बाबू नाम का एक लड़का है जो पहले इस टाइप की घटनाओं को देख चुका है। सर, पहले भी करता रहता है, ये छीना झपटी का काम कर चुका है। ये लड़का लूट पाट ये सब उसका कार्य करता है। बहुत संती टाइप का लड़का है ये, और कई काम इसने इस कॉलोनी में करे। इस टाइप दहशत में है यहाँ के लोग, मतलब यहाँ के लोग काफ़ी जानते हैं इसके बारे में, लेकिन पहले कोई एक्टिव नहीं हुआ इस चीज़ के लिए। तो किस तरीके से क्या है पूरा मामला बताएंगे? जो लड़का कल ऐसे सर, ये जो है शाम के टाइम पे जो है अपने दोस्त कुछ दोस्तों के साथ जो है पहाड़ी पे गया था, और टिकटॉक वगैरह बनाने के ऐसे थोड़ा घूमने फिरने के लिए ना।